आपका स्वागत करता। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आकलन वर्सेस जेटेट 2024। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन होगा आपके लिए? आप किस विकल्प का चयन करें ताकि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आकलन। तो राज्य में प्रथम बार आकलन की परीक्षा आपको 2023 में संपन्न हुई। जिसका रिजल्ट भी सितंबर 2023 में निकले, जिसमें 41,453 पारा टीचर भाग लिए थे और इसका 75% जो पारा शिक्षक थे वे पास कर चुके थे। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो 10,500 असफल रहे, यानी पास होने वालों की संख्या लगभग 30,953 रही। अब इसमें 5,000 वैसे पारा शिक्षक को आप शामिल कर लीजिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, यानी कि 10,500 और 5,000 यानी 15,500 पारा टीचर हैं, वो आकलन से वंचित रह चुके हैं अभी तक कुल मिलाकर कहें। ये था आकलन में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या और पास होने वाले शिक्षकों की संख्या और असफल और कुल मिलाकर वंचित रहने वाले शिक्षकों की संख्या 15,500 रही। अब आकलन का परीक्षा जिस हिसाब से लिया गया ये बड़ी विवादास्पद रहा। इसका क्वेश्चन सेट करने का तरीका ऐसा था कि पारा शिक्षक के लिए मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई रखा गया था, मिनिमम पासिंग मार्क था। उसमें भी 53 और 59 नंबर का लफड़ा हो गया। जिनका 52 आया वे पास नहीं कर पाए, जिनका 59 आया वो पास नहीं कर पाए और आकलन का त्रुटि आज तक सुधार नहीं किया गया। ये था आकलन का। और इतना कठिन आकलन के बाद भी आपको फायदा क्या होना है? आपका वेतन में 10% की वृद्धि और कुछ नहीं। अब हम लेखा जोखा करेंगे जेटेट 2024 जिसका नोटिफिकेशन आ गया है और यह 23 जुलाई से 22 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा और इसमें लगभग 43,000 पारा शिक्षक बैठेंगे, यानी जो आकलन पास हुए हैं वो भी और जो वंचित हैं वो भी, यानी 40,000 से लेकर 43,000 पारा शिक्षक इसमें शामिल होंगे। अब इसका जो पैटर्न है सर, थोड़ा कठिन रखा गया है और ये भारत का पहला टेट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी खंड में मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, मिनिमम मार्क्स लाना है तब आप पास होंगे। आकलन में जहां 75% पारा टीचर पास हुए थे वहीं इसमें जितने शामिल होंगे मात्र 25% पारा शिक्षक पास होंगे और बाकी 75% नेक्स्ट जेटेट की तैयारी करेंगे। ये एकदम हकीकत है और समझने वाली बात है। आप सभी विषयों में तेज नहीं हो सकते हैं क्योंकि पारा शिक्षकों का आयु वर्ग ऐसा है कि कोई भी शिक्षक जो है वह 30 से
40 से 50 और 50 से 60, ये तीन कैटेगरी में आज कोई भी पारा टीचर नहीं है जो 30 वर्ष का नहीं है। तो आप देख लीजिए, इस कैटेगरी को सर्वाधिक लाभ मिलेगा क्योंकि इसमें अभी ऊर्जा है। फिर उसके बाद इस कैटेगरी को जिन पारा शिक्षकों का आयु वर्ग 40 से 50 वर्ष, इनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा नुकसान जो 50 से 60 वर्ष वाले आयु वर्ग वाले पारा टीचर हैं, ये जेटेट में सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा, क्योंकि आपने आकलन का क्वेश्चन देखा और सभी खंडों में पास करने की प्रायिकता, जो मिनिमम मार्क्स लाएगा वही पास करेगा, और सर्वाधिक पारा टीचर आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगे 40 से लेकर के 60 के बीच में। तो आप कह सकते हैं कि जहां आकलन का रिजल्ट 75% आया, वहीं जेटेट का रिजल्ट 25% आएगा। संघ को चाहिए कि कम से कम ओवरऑल 60 और 55% जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है सभी टेट में, वही किया जाए, अन्यथा असफल पारा शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। अगर आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़िए और तमाम ईमानदार